Hey guys, welcome back to Green Eaters. So in today's video, we will be talking about DMBI and important concepts for DMBI. So what I've done is I've like taken 16 concepts for you all, जो आपको DMBI में करने ही होंगे, जो अगर आपको passing marks चाहिए तो आपको help कर देंगे, and अगर basic IMP list चाहिए तो definitely these will work. इन दिस ऑल्सो टॉक अबाउट आपको क्वेश्चन बैग कहाँ से मिलेंगे आपको नोट कहां से मिलेंगे वेर आर द्रिटर्स मटेरियल इफ यू वॉन्ट टू स्कोर लाइक वेरी गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो प्रॉपरली टॉकिंग अबाउट द आई एम पी कॉन्सेप्ट जो हमने आपके लिए, लिए सिलेक्ट करके रखे है वो हम चार सेक्शन में करने वाले हैं जहाँ पे सेक्शन वन सेक्शन टू के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो मेक श्योर आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो फॉलोइंग विद सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर फर्स्ट सेक्शन में हम चार क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट है वॉट इज एन आउटलाइनर डिस्क्राइब मेथड्स दैट आर यूज फॉर आउटलाइनर एनालिसिस नेक्स्ट इज वॉट आर मल्टी लेवल्स एंड मल्टी डिमेंशनल एसोसिएशन रूल्स एंड एक्सप्लेन एवरी थिंग बिथ एग्जांपल एग्जाम्पल फॉर ईच Next is explain business intelligence issues. And the last for this particular section is explain market basket analysis. Talking about section 2, here again you have four questions. Where in the first is short note on frequent item set, closed item set, and association rules. Next is explain frequent item set using uh, with a candidate generation. Next is discuss the generation association rules and frequent item set.

नेक्स्ट इज वॉट इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लेन थ्री विजुअलाइजेशन टेक्नीस विद एक्सम्पल्स नेक्स्ट इज वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर द सेम लास्ट फॉर दिस परुलर सेक्शन इज शॉर्ट नोट ऑन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा एनालिसिस सो दीज आर द क्वेश्चन जो आपको सेक्शन थ्री में करने हैं टॉकिंग वैक्शन फोर अगेन यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन करने हैं जो है वॉट आर द मेजर इशूज इन डेटा माइनिंग नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा माइनिंग एंड एक्सप्लेन के डी डी प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल और अ डायग्राम नेक्स्ट इज वॉट इज के डी डे प्रोसेस सो वे दीज आर दर सिक्सटीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं फॉर डी एम बी आई इन ऑर्डर टू हैव अ बेसिक इनिशियल प्रेपरेशन जो आपको डी एम बी आई में करना है और एल्स अगर आपको कोई आई एम बी सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो दीज क्वेश्चन कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट सो इफ ये कहा से मिलेंगे सो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल द क्वेश्चन इन प्लान उसमें ठीक है डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर एम इज टू स्कोर आप पासिंग मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो आप एवरेज मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो एंड आप स्कोरिंग के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हो इन सबके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल है बी एच नोट्स में वंस यू डन विद प्लान गो टू द बी एच क्वेश्चन बैंक आपको मॉड्यूलाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें सो चैप्टर वन में से कितने करने हैं चैप्टर टू में से कितने करने हैं चैप्टर थ्री में से करने हैं, एक प्रॉपर काउंट अवेलेबल है वहाँ पे सो यू गैस चेक दैट एज वेल सो अगर मैं आपको समरी दूं दूँ अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जस्ट गो टू द ब्रेनिटर्स ऐप पहले प्लान्स करो फिर क्वेश्चन बैंक्स करो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम ओके सो यू नीड नॉट वरी वी हैव लाइक कवर्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट भी आपको करना है इसमें एंड अगर आप एग्जाम के एक रात पहले भी लाइक इफ यूर प्लानिंग टू फिनिश एवरी थिंग अप इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है यू जस्ट हैव टू लाइक स्मार्टली कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दट यू हैव मैंशनड

ओके सो आई गेस दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो और आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए या कोई और डाउट है कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट डाउन एंड आई तो विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारे हाउ टू पास क्वेश्चन मिल जाए यान आप इजिली फिगर कर सको ये सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है इवन इफ इट इज वन नाइट प्रायर ओके सो ये आई गेस दट इट फिर टूडे वीडियो एंड आई सी यू द नेक्स्ट वन बाय